बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर नवेरा शेख की मुखालफत की असल वजह, यह तहरीर अबू अमर हैदराबाद की है। अगर यह कहा जाए कि हीरा ग्रुप के मेंबरान के बहरान की असल वजह दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद है तो शायद आप यकीन ना करें। अलबत्ता आज मुख्तसर तौर पर यह तजिया आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि मुसलमानान हिंद हकीकत से वाकिफ हो जाएं और मुखालफत की असल वजह को जान लें। कभी आपने सोचा है कि मुल्क के हर इदारे और एजेंसीज को एक हिजाब में मलबूस मुस्लिम खातून डॉक्टर नवेरा शेख के खिलाफ क्यों फ़ाल किया जा रहा है? क्यों ढाई माह से ज़्यादा के अरसे में बगैर किसी ठोस सबूत के हीरा ग्रुप की सीईओ को हिरासत में रखा जा रहा है? क्यों उसके इदारों और सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है जबकि भारतीय बाजार में लातदाद तजारती मराकज और सियासी जमातों का वजूद है? यूं तो इन सवाल के जवाब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ लोगों का कहना है कि शैतान खान और डॉक्टर साहबा का जाती मसला है, जबकि ये बात बेवकूफ़ों की जन्नत में बसने वाले लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों शख्सियात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक शैतान का लकब पाने वाला मकरू और सियाह चेहरा है, जबकि दूसरी जानिब इज्जत से आपा कहलाने वाली शख्सियत है। एक समाज का सियाह हिस्सा है तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान पर जान फिदा करने वालों के खानदानों का सहारा बनने वाली बुरके में मलबूस मुस्लिम खातून है जो समाज की खिदमत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत करती आ रही है और हर मैदान में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा कर संग मिल रखती रही है, चाहे वो तालीम व तरबियत का हो या इंसानियत की खिदमत का, चाहे वो तिजारत का हो या मजलूम और बेकसों का सहारा बनने का। कुछ लोगों का कहना है कि यह जंग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और डॉक्टर नवेरा शेख की सियासी पार्टी की वजह से है। यह तजिया भी महल नज़र मालूम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में विराजमान मेंबर पार्लियामेंट का एक नई पार्टी से इस कदर खौफ खाना भी दिमाग में नहीं बैठता। क्योंकि किसी सियासी तजिया निगार से आप जानना चाहेंगे तो वो यही कहेगा कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी तो मुल्क की खवातीन की तहफ़ और इंसानियत के इंसाफ दिलाने की बात करती है, बिल्कुल नई पार्टी है। इससे उस सियासी पार्टी का डर समझ से बाहर है जो मुल्क में एक बड़ा नाम समझा जाता है। जमीन पर कब्जा और लैंड माफिया का ताल्लुक भी सीधा नहीं बन पाता, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के असासों का ताल्लुक मुख्तलिफ रहा करता है। कुछ लोगों का कहना है कि मुखालफीन हीरा ग्रुप लोगों की मदद की गर्ज से सामने आए हैं, जो बहुत ही मजहका खेज मालूम होता है, क्योंकि इन अफराद का माजी गवाह है कि उन्होंने सिवाय अवाम के खून चूसने के कुछ नहीं किया और जो लोग एफआईआर कर चुके हैं वो अब पछता रहे हैं क्योंकि उनके सामने खाई और पीछे खंदक नजर आने लगी है, क्योंकि पोंजी स्कीम और हीरा ग्रुप को फ्रॉड अभी तक तमाम ताकतें मिलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं कर पाई है। लेकिन आखिर यह मसला है क्या? हीरा ग्रुप में रकम लगाने से किसका नुकसान और किसका फायदा, ये और बात है। इस्लामी तिजारत और हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों के मसीहा कहलाने वाली दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक की जो सूदी निज़ाम पर खड़ा मुस्लिम मईशत को हड़पने की कोशिश में है और चाहता है कि हैदराबाद और कुर्ब जवार के शहरों के तमाम सरमाए की चाबी उन्हें सौंप दी जाए और वो उनका इस्तेहसाल करके अपने मकासिद हासिल करके मुसलमानों की हलाल तिजारत को नुकसान पहुंचाकर खड़े हो जाएं। एक हकीकत यह भी है कि इस बैंक से जुड़े हुए सिर्फ दो नाम ही मंजर आम पर हैं, जबकि हीरा ग्रुप का खानदान 2 लाख अफराद और मेंबरान से तजावुज करता चला जा रहा था और अंदरून और बैरून मुल्क हलाल तिजारत में एक मोतबर नाम बनता जा रहा था। यह मुख्तसर तजिया आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसला अवाम को करना है, आपको करना है। यह मुकदमा इंसाफ के लिए आपकी अदालत में है। उधर दूसरी जानिब अल्लाह ताला ऐसे बैंकों और सूदी निज़ाम के फरोग देने वालों के लिए फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 278 में, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानदार हो, और अगर नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये जंग हीरा ग्रुप के 2 लाख मेंबरान और सूदी कारोबार के दरमियान है। ये जंग सूदी सिस्टम और हलाल तिजारत के दरमियान है। ये जंग सूदी सिस्टम और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। लिहाजा बातिल को आज नहीं तो कल झुकना होगा और अल्लाह का अजाब चखना होगा। फैसला आपको करना है, फैसला अवाम को करना है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या चुनते हैं, हलाल या हराम।